बैक टू माय चैनल। तो यार आ चुके हैं न्यू वीडियो में। तो यार आप लोग देख गए वही स्टार्टिंग में हम खेलने वाले हैं पबजी मोबाइल का कोरियन वर्जन। और भाई हमारा फर्स्ट गेम पे भाई मेरा लेवल तो आप देख सकते हैं अभी 13 है। और फिलहाल तो मैं अभी सिल्वर टायर पे ही हूँ और आप देख सकते हैं सिल्वर 5th पे हूँ मैं। तो भाई अभी हम लोग तो फुल रश करके खेलेंगे क्योंकि भाई आज मैं बहुत पिटने वाला लोगों से। और हमारे को एक मीटर आउटफिट मिला था। और भाई आप साइड में देखते भाई डार्क हो गए भाई कितनी ओपी स्किन मिली है भाई मुझे, मेरे घर से रॉयल पास की स्किन होगी। और भाई हमारे जो विंजी गेमिंग जो भाई अपने सब्सक्राइबर है तो भाई की मतलब मेरी आईडी मांग रहे। तो भाई मैं तैयार भी होगा था भाई यार इस बात के लिए भाई लाइक या सब्सक्राइब तो बनता है भाई। आप लोगों को पता है भाई अपनी खुद की मेन आईडी भाई मैं किसको दूंगा। लेकिन भाई एक प्रॉब्लम है भाई आईडी देने के लिए तो अपन को चाहना मतलब अपन को चाहिए मतलब अपनी फेसबुक के मैं मेरी फेसबुक की आईडी तो मैं को उनको फेसबुक की आईडी देनी पड़ेगी। तो भाई मतलब मेरे को अलाउड नहीं करते मेरे मतलब नंबर देना पड़ेगा मुझे क्योंकि भाई फेसबुक का नंबर तो मतलब ईमेल ऑब्वियसली चाहिए ही। तो मुझे अलाउड नहीं करते मेरे पेरेंट्स भाई किसी को अपना मेन नंबर दो। वही आई एम रियली सॉरी भाई विंजी भाई। और भाई बोल रहे थे इंस्टाग्राम पे भाई इंस्टाग्राम पे तो वैसे बिना फेसबुक के भी लगता है लेकिन भाई मेरे फोन में भाई इंस्टाग्राम नहीं भाई मुझे चलाना मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता इंस्टाग्राम। तो यार कोई बात नहीं भाई लेकिन चलता है भाई यार भाई ऐसा आईडी वाइडी मत मांगा करा बहुत बुरा लगता है भाई मुझे लेकिन मैं दे भी दूंगा आप लोगों को भाई। लेकिन यार आप भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और आज अपन मतलब आप लोग आप भाई आज गेम प्ले वैसे लेकिन आप लोग भाई मैं लॉबी में क्यों खड़ा हूँ तो मेरे पास ऊपर आप देख सकते हैं 4 टोकन है। तो चलो भाई ट्राई करते अपने स्पिन का देखते भाई उनको क्या मिलती है। और मैं बाप मुझे तो भाई रेड आउटफिट और ग्रीन आउटफिट जब मैं विंजी गेमिंग भाई मैं आप लोगों को एक चीज मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूँ मतलब आप सबको भी बता रहा हूँ मैं कि भाई बाप बहुत सारे मीठे आउटफिट को है ना सर टैप करा करो कभी कभी मिल जाती है। मैंने भी ऐसे किया था भाई मुझे बहुत अच्छा मतलब आउटफिट मिल गया था और देखते लो भाई मुझे नहीं मिला इस बार मेरे लक नहीं थे लेकिन भाई लिटरली भाई मुझे जो आउटफिट है मेरे पास इतना इसको मैं ऊपर कर दिखाऊँ जो आउटफिट है मेरे पास भाई मैंने टैप टैप करके ही मुझे मिला था। लेकिन ये वाला इसके ऊपर मैंने टैप नहीं किया था भाई मिथिक वाले पे किया था और मुझे लेकिन फिर भी मिथिक तो मिल गया था। और साइड में जो भाई डार्क शॉप बहुत अच्छी लग रही है। तो चलो भी अब अपन अपना गेम स्टार्ट करते हैं और अपन ऑब्वियसली खेलेंगे अपना इरेंगल प्यार ऐसा और वो भी सोलो भी स्क्वाड। मुझे पता है मैं बहुत पिटने वाला हूँ लेकिन भाई कभी क्या पता मैं सोलो मतलब 1v4 कर दूँ भाई मुझे तो नहीं लगता। और हाँ गाइस मैं मतलब अपना इन गेम साउंड मतलब वैसा नहीं है जैसा आप लोग समझ गए होंगे मतलब मैं पहले गेम खेल दिया उसके बाद कुछ बोल रहा वैसा वो नहीं कर रहा हूँ मैं कमेंट्री भाई मेरे गेम के साथ ही कमेंट्री कर रहा हूँ। तो चलो देखते हैं हमको कौन से टाइप के बंदे आते हैं या फिर कोई प्रो आते हैं या फिर कोई नोब भाई। कभी कभी मुझे हर एक बंदे 100 RP के मिलते हैं और कभी कभी 30 RP 40 RP के मिलते हैं। और भाई लोडिंग होने में वेलकम टू सैनहॉक। हाँ भाई थैंक यू। तो भाई पबजी कोरियन भी भाई बहुत ही अच्छा गेम है भाई मज़ा आता है खेलने में। चलो भाई थोड़े बहुत अच्छे बंदे आए ले भाई। और भाई इसके भी मतलब अच्छे कपड़े भाई कोई रेड वाला रहता है ना भाई इसमें कपड़े ले लेता है यार मतलब रेड वाले कपड़े अच्छे थे। और मेरे ख्याल से मतलब मैंने रिसोर्स पर डाउनलोड नहीं किया हूँ। अबे भाई देखो भाई कपड़े भी नहीं दिख रहे मुझे भाई भाई यार यहाँ पे बहुत लैग हो रहा है भाई हटो ऐसे। तो मेरे ख्याल से मैंने रिसोर्स पैक शायद से डाउनलोड नहीं किया क्योंकि भाई बहुत सारे बंदों के पास मस्त मस्त कपड़े हो सकते हैं। तो भाई देखते हैं जिन लोगों को रिसोर्स पैक नहीं पता भाई मतलब एक रिसोर्स पैक रहता है जिससे अपन को दूसरे लोगों के कपड़े नहीं मिलते मतलब दिखते नहीं अपन को दूसरे वाले कपड़े मतलब अपन को खुद के ही दिखते हैं। तो भाई देखते हैं यार थोड़ा बहुत जानकारी मुझे दिखते हो रहे अच्छे खासे लॉबी आई है मेरे को भाई देखते कितनी आरपी है। और कमेंट में बताओ भाई आप लोगों को कौन सा लगता है कितनी आरपी है। और भाई यहाँ पे ऑल पे भाई बकबक सुनो भाई 100 RP लेट्स गो। कोई है मिलिट्री बेस आओ जी जी फिल्म फुला के आ जाए आओ। ओके भाई मिलिट्री भाई देखो मैं इसको बोलता हूं काम बोल अपना आईडी बोल आईडी। ओके भाई अच्छा भाई रकीब भाई ओके ओके रकीब भाई मिलिट्री बेस आ जाओ रकीब भाई। चलो भाई लोग बोल रहे थे भाई मिलिट्री बेस भाई सबको चैलेंज कर रहा था एक बंदा तो भाई मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ भाई यार देखते भाई अपन इन लोगों को भाई मेरे को तो पता है भाई मेरा तो भाई इन लोग बहुत गंदा मानने वाले मुझे लेकिन भाई एक किल तो मैं ट्राई करूंगा भाई बहुत प्रो बंदा है मुझे। अगर आप लोगों के बैकग्राउंड के वॉइस आ रहे तो उसको इग्नोर मार देना भाई ये सब ये बहुत सब उनसे लड़ने तो नहीं जाएंगे क्योंकि भाई बहुत टाइम पास कराता है और इसके ज़ॉम्बीज चेले भी रहते हैं वहाँ पे भाई बहुत ही बोरिंग है लेकिन लूट उससे अच्छी मिलती है कभी कभी ग्रोजा AWM भी मिलती है मेरे ख्याल से तो ज़्यादातर वही मिलती है यार। आप लोग कमेंट में बताना किस किस ने मतलब किस किस ने ये बॉस को मार चुका है और इससे लूट ले चुका है। चलो भाई अपन मिलिट्री बेस कूदते हैं फिलहाल। अबे भाई 20 बंदे तो ऑलरेडी सब कूद चुके हैं देखते हैं भाई चलो भाई अपन भी कूद जाते हैं। और भाई एक बंदा मेरे को तो नहीं लगता भाई वो बंदा खाली चैलेंज देके किधर और ही चले गया होगा भाई भाई मेरे को लग रहा है एकदम कोने कोने में जाके चुपचाप बैठ गया और फिर लास्ट राउंड में मारेंगे भाई मेरे को तो पता है भाई मैं उतरते साथ मरने वाला हूँ तो भाई कमेंट में बोलना नहीं नूब नूब। हाँ भाई वैसे भी मैं बच्चा हूँ भाई बच्चा क्या ही कर लेगा लेकिन कभी कभी मैं और अब भी मैंने 1v4 भी किया था मतलब कल मतलब जब मैं कल खेल रहा था जब अपनी लीग बढ़ा रहा था भाई मैं मतलब जो अपने टायर वो बढ़ाता नहीं हूँ कभी कभी मेरा बढ़ भी जाता है इसी में फुकट में क्योंकि भाई मैं आप उनको भी पूछ सकते हैं जी भाई को मैं उनके साथ भी बहुत बार खेल चुका हूँ। तो भाई मैं हम लोग हमेशा हॉट ड्रॉप उतरते हैं जैसे कि पोचिंग की मिलिट्री बेस और नोवर अपना जॉर्जा बोल भाई बहुत सारी जगह उतरते हैं हम लोग हॉट ड्रॉप पे।
और वहां पे तो हम लोग रश करके खेलते हैं, दोनों मर जाते हैं भाई। कभी कभी वो बच जाते हो, कभी कभी मैं बच जाता हूँ भाई। एक ही बंदा है शायद से, वही बंदा है, मुझे नहीं पता भाई। मैं तो अपना ऑब्वियसली सी बिल्डिंग में उतरूंगा, क्योंकि भाई दूसरी जगह नींद नहीं मिलती है। आप खेल फील्ड पे देख सकते हो, ऑलमोस्ट सब पाकिस्तान वाले ही बंदे हैं, और दूसरे बंदे भी है, क्योंकि भाई सब लोग बैन हो चुका है, तो भाई सब लोग इधर ही आए। लेकिन मुझे अभी तक इंडिया का कोई फ्लैग का नहीं दिखा है मुझे। चलो भाई, मैं तो पूरा ध्यान मेरा उस पर रहेगा, कोई आके मुझे मार देगा। चलो भाई, अपन यहाँ पे अपन को दिख चुका है भाई लेवल 3। लूट लूट, हेलमेट भाई हेलमेट। अभी फिलहाल के लिए तो मेरे पास गन फंस के स्किन नहीं है। वैसे मैं बोलता हूँ स्किन्स मैटर नहीं करती है, मतलब अपना स्किल्स मैटर करती है, और कभी कभी स्किन मिल गई तो भी अच्छा है यार। चलो भाई, अब उनको मतलब अच्छे खासे टॉम्सन तो क्लोज रेंज के लिए मिल चुके हैं, और M8 मतलब जो M16 है उससे, मतलब उससे भी अच्छा खासा हो जाएगा, मिड रेंज का भी काम हो जाएगा। लेकिन भाई उनको मेन चाहिए M4 भाई, वो तो भाई भाई गॉड गन है भाई यार। भाई जिन लोग M4 के लवर, भाई कमेंट में जरूर बताना, ऑब्वियसली भाई सभी होंगे, कोई कोई चैन होंगे मतलब। और मतलब जो ड्रॉप की गन है वो भी भाई अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन भाई मुझे M4, तो मुझे लगता है भाई M4 को कोई टक्कर नहीं दे सकता फिलहाल। मतलब अगर देखो भाई, MK मतलब बहुत सारी गन है जो क्लोज रेंज और मिड रेंज और अलग अलग रेंज के बनी है। देखो भाई, जैसे ही भाई ले लेता हूँ मैं, कोई बात नहीं चलेगा भाई। देखो भाई, जैसे कि डीपी मतलब जो डीपी है वो लॉन्ग रेंज, क्लोज रेंज के लिए भाई बिल्कुल भी नहीं बनी है डीपी। और कभी कभी कोई भी यूज कर लेता है, तो जैसे कि AKM लॉन्ग रेंज के लिए बिल्कुल भी नहीं है। AKM क्लोज रेंज में भाई तगड़ी गन है भाई, बहुत ही तगड़ी गन है। उसके मतलब AKM के साथ मैंने एक बार 1v2 किया था भाई, बहुत ही मजा आता है AKM चलाने में। और जैसे कि बैरल, ऑब्वियसली क्लोज रेंज में भाई बाप है, मतलब गॉड है भाई। और AKM भी अच्छी है, बैरल भी अच्छी है। मेरे को तो ज्यादा बैरल, सॉरी मेरे को ज्यादा AKM अच्छी लगती है, क्योंकि भाई AKM का भाई अलग ही प्यार है भाई। देखो भाई, और M4 जो है ना भाई, वो लॉन्ग रेंज के लिए बनी है। लॉन्ग रेंज में भाई स्प्रे तो भाई कितनी तगड़ा आता है, क्लोज रेंज में भाई मतलब कम से कम MK का तो टक्कर दे ही देगी भाई। और अच्छा खासा क्लोज रेंज, लॉन्ग रेंज, मिड रेंज में भी भाई बहुत अच्छा चलती है, और भाई बहुत ही अच्छा। और MK14 तो भाई क्लोज रेंज की मेरे को तो भाई गॉड लगती है वो। और ग्रोजा भी, मतलब ग्रोजा भी ठीक ठाक गन है भाई, अच्छी गन है वो भाई। एक बंदा भाई, अच्छा उसमें गेम की तरफ बढ़ते हैं, कब से मैं बगी कर रहा हूँ भाई। वो बंदा उतरा था मेरे ख्याल से, भाग गया है भाई, भागे का क्यों भाई, मेरे पास तो पैराशूट की स्किन भी नहीं भाई, देखिए कहाँ से भागेगा वो। ओ ये रहा भाई, बच गया मैं, मेरे ख्याल से अभी गोली चलाने ही वाला था। ओके भाई, ये नीचे कूद गया है, देखते हैं अपन इसको मार पाते क्या नहीं। मेरे को तो लग रहा है भाई मैं मर जाऊंगा भाई। मैं टॉमसन निकाल लेता हूँ भाई, मैं भी पीछे चल जाता हूँ, क्योंकि भाई रश तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता उसके पास कौन से गन है भाई, क्या पता अच्छी खासी तगड़ी M4 लेके आ गया भाई, अपने लग गए। चलो भाई, डैमेज नहीं हुआ। ओ भाई M4 का नाम M4 हाजिर, ऑब्वियसली मतलब मैं नहीं भाई, मुझे थॉमसन नहीं छोड़ने आया, एमरियली सॉरी भाई, जो थॉमसन नहीं छोड़े डीपी लवर भाई, फ्रेंड मत हो जाना। ओके भाई M4 में लगा देते हैं, और मतलब एमओ रखते हैं भाई, AK मिल गए तो वो ले लेंगे, थॉमसन क्लोज रेंज के लिए भी रखते हैं। अब आ जा बेटा तू। ओके भाई, अपन को मिल चुकी है अपनी फेवरेट गन M4 भाई, मैं चलते उसको आगे रख देता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सेकंड पे। चलो भाई, ये अपन को मिल चुका है, देखते भाई भाई बंदा रश करता है, मेरे ख्याल से तो भाई वो रशिंग प्लेयर नहीं है। चलो भाई, देखते अपन रश कर देते, देखते भाई अपन को पता नहीं कहाँ चले गया वो। ओ भाई बॉम्ब फेंक रहा है, अच्छा खासा प्लेयर है ब्रो। मैं मेरे ख्याल से अपने इसके हाथों मरने वाला हूँ भाई, आप लोग को क्या लगता है भाई कमेंट में जरूर बताना भाई। मेरे को पीछे से मत मार बस तू भाई। ओके भाई, वो यहाँ से पीछे भागा था, मुझे फुटस्टेप भी नहीं आ रहा भाई। सबसे गंदी बात तो भाई, मैं हेडफोन पहन के नहीं पहन रहा भाई, हेडफोन पहनना मैं भूल गया भाई यार। चलो भाई, देखते अभी अपन को बंदा, देखते भाई मैं रश कर रहा हूँ उस पर, मुझे नहीं पता कहाँ पे वो। यहाँ पे तो नहीं है, ओके फुटस्टेप आ गए। ओके भाई, इसके आते भाई मैं मर चुका हूँ, क्योंकि भाई मुझे वो बंदा सामने था, मुझे दिखा भी नहीं था यार भाई। इसको स्पेक्टेट करते भाई। ओके भाई, इसके तो दो तीन बंदे ऑफलाइन थे। ओके गाइस, अभी मैं ना एक और गेम स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ मैं। सॉरी गाइस, मैं इसको मार नहीं पाया, लेकिन भाई कोई बात नहीं, चलता है यार। तो ओके गाइस, अपन आ चुके हैं मतलब एक और गेम में, और भाई मैंने तो भाई स्क्वाड लगा था यार। अब अरे भाई अच्छे का नहीं भाई, ये नहीं 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 हाँ बच गया। चला चला, मेरे को नहीं चाहिए तेरे गोल्ड के कपड़े, मतलब अपन सिल्वर या फिर गोल्ड में पहुंच जाते, अपन 3-4 मैच खेलते हैं ना भाई, तब जाके उनको कपड़े मिलते हैं, मतलब ये वाले कपड़े मिलते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। चलो भाई, नहीं भाई ये भी, इसके भी अच्छे नहीं है, तो छोड़ा है कपड़े का, छोड़ देता। और भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ यार, सॉरी लिया रे भाई, सॉरी मैं उसको नहीं मार पाया, लेकिन कोई बात नहीं यार, आप लोगों को तो पता ही होगा मैं नूब हूँ, मैं क्या ही करूंगा। तो चलो, इस बार मैंने स्क्वाड लगा था, मैं बोला बार बार कुछ ज्यादा शाइनिंग मारा था मैं 16 स्क्वाड, लेकिन भाई वापस से 16 स्क्वाड लग गया, तो भाई रहने दो कोई बात नहीं। और भाई इस बार भी मैं भाई बहुत अच्छी लॉबी आई है भाई, इस बार भी अच्छा खासा टैग है उनके पास, अच्छी बार अच्छी बार मैं ही एक नूब हूँ। ओके सॉरी गाइज, चलो भाई आ जाओ नीचे कुत्ते भाई, आ जाओ, देखते भाई इस बार कोई ऑल पे भाई कोई भी टाइम पास करता है या नहीं करता है भाई, बोलो।
ब्रो ओके भाई, इसने मिस्टर राहिल बोल दिया, मैं मिस्टर राहिल को तो भाई मार करूंगा। आजा मिस्टर राहिल बेटा, तेरे को मारूंगा। ओके भाई, मैंने ऐसा बोल तो दिया, मेरे ख्याल से भाई मिस्टर राहिल से मर गया तो भाई बहुत गंदी बेइज्जती हो जाएगी। तो चलो भाई, यही मजा आता है भाई अस मतलब जो पबजी का जो खेलते हैं भाई, असली मजा तो भाई इसमें आता है भाई, जब ऑल पे जब चैलेंजिंग देते ना भाई, तब मजा आता है यार। और भाई आप लोग कमेंट में बताओ कि मैं कैसा करूँ, मतलब पहले गेम प्ले अपना मतलब पूरा रिकॉर्ड कर लूँ, उसके बाद आप कमेंट्री करूँ, या फिर गेम प्ले के साथ साथ कमेंट्री करूँ, भाई जरूर बताना। वैसे मुझे आता तो नहीं है पहले गेम प्ले वो करके रिकॉर्ड, फिर भी मैं ट्राई करूंगा, मतलब गैलरी से अपना गेम ऑन कर दूंगा। उसके बाद भाई पानी देखो भाई, वाह भाई बहुत अच्छा दिख रहा है भाई। भाई एक स्क्वाड भाई खत्म यार, इसके अलावा भाई मैं नहीं लगाता भाई सोलो भी स्क्वाड भाई, पूरा तीन बंदे अगर मैं अकेला उतरा हूँ। देखो भाई और तीन बंदे, वो भी फुल पैराशूट के स्किन विन के साथ। भाई हवा में मत मार दो यार। ओ भाई वहां पर लोग तीनों भाई एक ही कंटेनर। ओ भाई तगड़ी फाइट भाई। ओके भाई, अरे बे, इसको गन मिल गई यार। ओ भाई खत्म। अबे इसका टीममेट भी है। अरे भाई 1 HP यार, मैं सोच रहा था उसको फिनिश करने जाओ। भाई इसकी HP देखने दो यार, मुझे इसकी HP देखने दो। इसके ना इसके ना इसके नहीं। अबे भाई अच्छा, इन लोग दो ही बंदे भाई, इसकी HP देखो यार लिटरली। भाई यार भाई यार वापस से मेरी बेइज्जती हो गई यार। अबे भाई -14 हो गया यार। चलो भाई कोई बात नहीं, मतलब बाद में अपना अकेले रैंक पुश करूंगा। तो चलो भाई एक और लास्ट गेम खेलते हैं, देखते भाई इस बार तो भाई मैं उन लोग के चैलेंज वैलेंज में जाने वाला हूँ नहीं, फिर भाई देखते हैं। भाई यार आई एम रियली सॉरी भाई, तो यार मजा आ रहा है भाई, असली भाई मजा इसको ही बोलते हैं भाई। जगह एक मिनट भाई, कोई ऑनलाइन भाई अपने बिजनेस में भाई ऑनलाइन नहीं है। चलो भाई कोई बात नहीं, देख लो भाई यार। चलो मैं ये देखो भाई, अब मैंने स्क्वाड भी लगा दिया, सोलो स्क्वाड कर देता हूँ। अब देखो भाई प्लीज यार, अभी इस बार कोई स्क्वाड आ जाओ भाई, साथ में खेलेंगे तब चैलेंज कर दो भाई, पूरी स्क्वाड जाएंगे ना भाई तब मजा आता है यार। लेकिन भाई अगर मैं सोलो भी स्क्वाड खेलूंगा तो भाई डायरेक्ट फिनिश हो जाऊंगा भाई, इसमें इतना मजा नहीं आएगा भाई। ओके भाई आ गए भाई, भाई बहुत ग्लिच हो रहा था मेरा। ओके भाई इस बार भी अच्छी खासी तगड़ी लॉबी आई, लेकिन इस बार इतनी अच्छी लॉबी नहीं आई है। ओके भाई चलो भाई, स्कोर तो लग गया कम से कम। भाई यार मेरा टीममेट स्नूब है। ए चलो भाई मेरे को फॉलो करो, लिख लो भाई अगर मेरे को फॉलो कर दे तो अच्छा है, नहीं तो। ओके भाई इतने सब लोग ने मेरे को फॉलो कर दिए भाई, मेरे मेरे ख्याल से पूरे टीममेट्स मेरा नूब आए थे भाई। नंबर 3 भी नूब, मतलब नूब नहीं है वैसे, मैं नूब तो नहीं बोलूंगा, नंबर 2 नंबर। ओके भाई मेरे सबके टीममेट्स के कपड़े तो एकदम अजीब से, तो भाई कोई बात नहीं, लोग ने अभी अभी स्टार्ट किया होगा भाई, मैं खुद कोरियन वर्जन अभी अभी स्टार्ट किया हूँ, तो मैं कौन सा प्रो हूँ भाई। तो चलो भाई देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ इन लोग वापस से नोवो लेके चलो भाई, ट्राई करते हैं भाई। ऑब्वियसली भाई मेरा माइनस करा ही दिया, तो भाई और थोड़ा बहुत माइनस करा ही देते भाई। तो ना गई मतलब आगे जाके भी कभी कभी अगर आप मैंने रैंक पुश किया तो मेरे को नहीं लगता मैं वीडियो डालूंगा, लेकिन भाई यार देखते भाई। और अगर आप लोग चाहते हो भाई ऑब्वियसली मतलब एग्जाम ने तो बोला भी था मुझे कमेंट किया था, तो भाई अब से रेगुलरली आएगी मतलब इसकी जो वीडियो थी क्या बोलते हैं, सॉरी गाइस ये जो पबजी कोरियन है भाई, देखो यार इस बार इतनी अच्छी लॉबी नहीं आई है। 50 RP 100 RP एक जन की होनी चाहिए भाई, तभी मजा आएगा। चलो भाई 100 RP वाला बंदा मिल चुका है, देखते भाई इस बार तो नहीं हो गया ऑल पे। ओके भाई इस बार के कोई ऑल पे तो है नहीं। अच्छा चलो भाई, मेरे ख्याल से कोई चैलेंज तो नहीं दे रहा है, लेकिन भाई बहुत बंदे आ रहे हैं इन लोग, तो भाई मेरे ख्याल से होता तो शाम बनेंगे, तो भाई मैं ट्राई करूंगा इन लोग को बचाने की। लेट्स गो भाई, तुम लोग को बचाऊंगा मैं। ओके ट्राई करूंगा। ओके नंबर 4, अच्छा नंबर 4 भाई इसने अनफॉलो कर दिया यार, नंबर 4 शायद से पट्टू है भाई। इन लोग तुम लोग को अनफॉलो करना था भाई, तुम लोग कर सकते हो। अच्छा चलो भाई मेरा माइक ऑफ है। ओके चलो भाई इन लोग दोनों तो आ रहे हैं भाई, इन लोग को मतलब कोई अपना, इन लोग को शायद से पता नहीं है भाई नोवर अपना है कोई हॉट ड्रॉप है, शायद से नंबर 4 को थोड़ा बहुत पता था, वो पहले से खेलता होगा, इसके अलावा नहीं आया। ओके भाई चलो उतरते अपन, मेरे ख्याल से एक दो स्क्वाड तो ऑब्वियसली आनी चाहिए, लेकिन हम लोग तो 3 बनते। ओके भाई वाह भाई यार लिटरली भाई पानी का देख के भाई बाप तो भाई मुंह से निकले जाते हैं। ओके भाई बैल बज गई है। ओके भाई इसके बाद, ओके भाई नंबर 2 अपना अच्छा खेलता है, क्योंकि भाई इसके पास स्किन है भाई, मेरे पास स्किन नहीं है। तो भाई तो ओके भाई इस बार तो कोई नहीं आया भाई, वापस से बेल बज गई है, तो इस बार भाई बेल वाले को इग्नोर मार देना उनको। ओके भाई चलो भाई उतरते हैं अंदर, तो भाई इस बार तो फिलहाल के लिए ये मैच में तो भाई बहुत बोर होने वाला है, अभी कोई आ भी गया तो शायद आप लोगों को बैकग्राउंड की आ जाएगी। तो चलो यार मैं आप लोगों को मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, जब मैं थोड़ा अच्छी खासी लूट करूंगा ना, उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ।
तो क्या गाइस मुझे लूट तो मिल गया लेकिन मैं बहुत नू बंदा है। तो यार हम रियली सोच रहा था यार ये तो अच्छा बना था, कोई वीडियो बनाने को लाइक करना, मैं तो नेक्स्ट गेम पे बनाया या फिर कोई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।